हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी हम लालू बहालिया जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है, और वीडियो रिक्वेस्ट है सन 1983 में हुए निकसिक यूगोस्लाविया में एक गेम हुई थी फोर्थ राउंड में यहाँ इस टूर्नामेंट के, और मुकाबला था गेरी कास्परोफ और लजस या लॉस पॉट्रिस्ट के बीच में। फ्रेंड्स, आई थिंक मैं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक गेम पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक नए अंदाज से इस गेम को दोबारा ज़रूर बनाना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की गैरी कास्परोव ने d4 के साथ, तो नाइट f6 यहाँ लॉस ने किया, देन c4 तो e6, नाइट f3 b6, नाइट c3 तो बिशप गया b7 स्क्वायर पर, a3 देन d5, c takes d5, knight takes d5, देन e3, ओके, देन knight takes c3, b takes c3, बिशप e7 स्क्वायर पर, देन यहाँ गैरी कास्परोव ने किया बिशप b5 चेक, और इस मूव पर एक चेक दी, तो c6 यहाँ पहले लॉस ने किया, और बिशप को बचाना ही होगा, तो बिशप गया d3 स्क्वायर पर, देन c5, और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया नाइट c6, तो बिशप b2। और फ्रेंड्स, यही होती है गेमिंग स्ट्रेटजी। आप यहाँ देखें कि ब्लैक के पास यहाँ शॉर्ट साइड कैसल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और ये दोनों बिशप वाइट के बिल्कुल सही टारगेट लगाए हुए बैठे हुए हैं। तो रुक c8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो क्वीन गई e2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ लॉस ने कैसल किया, रुक एट ए गोज टू d1, देन क्वीन c7, और ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को इस रुक की फायरिंग लाइन से अलग किया c4, तो c takes d4, e takes d4, तो नाइट गया a5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस c4 पॉन पर अटैक है, तो d5 यहाँ पहले वाइट ने किया, और क्या यहाँ ब्लैक knight takes c4 नहीं कर सकता था? अगर करता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि यहाँ वाइट पहले करता queen e4, और यहाँ पहले वो चेकमेट की थ्रेट देता, और आप कह सकते हैं कि अब ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव है g6 करने का, और फिर उसके बाद bishop takes c4, queen takes c4, और यहाँ आप गेम को बिल्कुल इक्वल ही कह सकते हैं। आप यहाँ देखें कि अभी भी चेकमेट की थ्रेट पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा, और ब्लैक काफ़ी अच्छे खासे प्रेशर में रहेगा, तो इसलिए नाइट अभी इस c4 स्क्वायर पर नहीं आया। यहाँ लॉस ने किया e takes d5, देन c takes d5, और फ्रेंड्स आखिर यहाँ पॉट्रिस्ट ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने यहाँ किया bishop takes d5, तो यहाँ गैरी कास्परोव का ऑब्वियस मूव है bishop takes h7 चेक करने का, और यहाँ एक डिस्कवर्ड अटैक यहाँ इस बिशप पर बना, king takes h7, देन rook takes d5, और आप कह सकते हैं कि ब्लैक के किंग की सेफ्टी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। वाइट अपने रुक को काफ़ी स्ट्रांगली अच्छे स्क्वायर्स पर ला सकता है, तो पहले यहाँ ब्लैक ने किया king g8, देन bishop takes g7 चेक, और गैरी कास्परोव ने एक और बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। पिछले वाले सेक्रीफाइस का रीज़न तो समझ में आता था, लेकिन इस वाले बिशप सेक्रीफाइस का रीज़न समझ में नहीं आता। आखिर यहाँ वाइट ने इस बिशप को क्यों दिया? king takes g7 करने के बाद ब्लैक का किंग पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, knight e5, और फ्रेंड्स अब इस अटैक में बस ये क्वीन भी एंटर होने वाली है, यानी कि ब्लैक का किंग बिल्कुल ओपन है, और आप देख सकते हैं कि वाइट के तीन पीसेस रुक, नाइट और क्वीन ब्लैक के किंग को इजीली ट्रैप कर सकते हैं। तो रुक एट एफ गोज टू d8, और फ्रेंड्स यहाँ ये रुक एट एफ गोज टू d8 आखिर ब्लैक ने क्यों किया? आप यहाँ देखें कि वाइट की स्ट्रेटजी यहाँ इस क्वीन को g4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस d7 स्क्वायर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की है, और ब्लैक अपने किंग को कभी भी इधर h5 में लेकर जा ही नहीं पाएगा, और तो जब चेक आएगी तो ब्लैक का किंग सिर्फ और सिर्फ इस f8 स्क्वायर पर ही जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ ब्लैक को चेकमेट देखनी होगी। तो गैरी कास्परोव ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया queen g4, और आप यहाँ देख सकते हैं जिस बात को भी मैं कह रहा था कि ब्लैक अपने किंग को h5 में लेकर जा ही नहीं सकता, अदरवाइज ये चेकमेट होगी ही होगी। तो ब्लैक ने यहाँ किया king f8, तो queen f5, और फ्रेंड्स यहाँ इस सीधा चेकमेट की थ्रेट है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ ब्लैक क्या करता? ये बिशप भी कहीं ना कहीं हट सकता था वैसे तो, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया f6, तो knight d7 चेक, और फ्रेंड्स ये चेक काफ़ी स्ट्रांग है, rook takes d7, और फ्रेंड्स यहाँ अब ब्लैक क्या करे? मेरे ख्याल से ब्लैक को क्वीन एक्सचेंज करने के बारे में
यहाँ इस E5 स्क्वायर पर लाने के बारे में सोच लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पॉटरिश ने किया क्वीन C5 ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, लेकिन क्वीन G7। और यहाँ आप कह सकते हैं कि बिशप फिलहाल कुछ देर के लिए तो बिल्कुल पिन हो चुका है। रुक C7 रुक एक्सचेंज ऑफर, लेकिन क्वीन H8 चेक तो किंग है F7 स्क्वायर पर। रुक D3, अभी यहाँ वाइट को कोई खास एडवांटेज नहीं है रुक एक्सचेंज करने के बाद। तो नाइट C4 देन रुक D1, अपने रुक्स की बैटरी यहाँ गैरी कास्परोव ने तैयार की और उनका अटैक यहाँ बिल्कुल क्लियर समझ में आने लगा है। तो अब ब्लैक यहाँ क्या करे, आई थिंक ये बिशप तो हट ही जाना चाहिए था, शायद D6 स्क्वायर बिल्कुल सही रहता इस बिशप के लिए, और कहीं ना कहीं वाइट के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर बनने लग जाता अगर ये गेम इस तरह से आगे बढ़ी होती तो। जब यहाँ पॉटिश ने किया नाइट E5 तो गेम थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि क्वीन H7 चेक देने के बाद ब्लैक ने अपने किंग को रखा E6 स्क्वायर पर, लेकिन क्वीन G8 चेक तो किंग है F5 स्क्वायर पर, और यहाँ गैरी कास्परोव ने किया G4 चेक और कह सकते हैं कि पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन ब्लैक यहाँ इस पॉन को नहीं ले सकता, अगर ब्लैक यहाँ करे नाइट टेक्स G4 तो उसके बाद रुक F3 चेक, और आप ये कह सकते हैं कि चेक मेट का ही अटैक होगा, तो किंग जाएगा E5 E4 जिस भी स्क्वायर पर जाए, लेकिन क्वीन टेक्स G4 तो होगा ही होगा। तो यहाँ ये नाइट भी डाउन होगा ब्लैक के लिए, और अगले कुछ मूव में जो चेकमेट आनी है वो किस तरह से रुकेगी, मुझे तो कोई खास तरीका यहाँ नज़र नहीं आता। तो पॉटरिश ने यहाँ अपने किंग को मूव किया था F4 स्क्वायर पर, रुक D4 चेक, और फ्रेंड्स अगर यहाँ ब्लैक को ये गेम थोड़ी भी खींचनी है, थोड़ी भी लंबी चलानी है, तो क्वीन टेक्स D4 कर ही लेना चाहिए था, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है, रुक टेक्स D4 चेक होने के बाद किंग कहाँ जाएगा, F3 स्क्वायर ही बचता है इसके लिए, तो क्वीन B3 चेक तो रुक बीच में आएगा, क्वीन D1 चेक और मेट, कोई भी तरीका नहीं है इस चेकमेट से बचने का। तो ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को ही मूव करना ज़्यादा ठीक समझा, उन्होंने यहाँ किया किंग F3, लेकिन क्वीन B3 चेक के बाद यहाँ लाओस पॉटरिश ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अभी गेम कहाँ जाएगी, क्वीन C3 होगा तो क्वीन D5 चेक हो जाएगा, किंग हटेगा E2 स्क्वायर पर तो क्वीन E4 चेक होगा, क्वीन E3 क्वीन टेक C3 चेक और मेट, कोई भी तरीका नहीं है यहाँ इस पोजीशन से चेकमेट से बचने का ब्लैक के पास। फ्रेंड्स मुझे ये गेम काफ़ी अच्छी लगी, गैरी कास्परोव ने जिस तरह से अपने दो बिशप सेक्रीफाइस किए, उसके बाद ब्लैक के किंग को सुपर एक्सपोज किया, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था इतनी दयनीय स्थिति यहाँ ब्लैक की होने वाली होगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।